जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो कृष्णा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना है, हम बात कर रहे हैं टीवी के कृष्णा की, यानी सुमित मुद्गलकर की, जो कृष्णा बन के सारी दुनिया को अपना दीवाना बना रहे हैं। तो चलिए आज की हमारी इस खास पेशकश में हम आपको सुमित की जिंदगी के कुछ हसीन किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। सुमित का जन्म 2 नवंबर 1996 को महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुआ, पर उनका बचपन पुणे में गुजरा। सुमित के घर में उनके पेरेंट्स के साथ उनके दो भाई है, संकेत और समीरन। सुमित ने सिंहगढ़ स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से। सुमित अपने पिता के बेहद करीब है और अब अपने करियर की आजमाइश के लिए सुमित सपनों की नगरिया मुंबई आ पहुँचे और बस इंटरनेट पर डांस के वीडियोस देख सुमित डांसिंग दुनिया का बेताज बादशाह बनने की तैयारी में लग गए। उन्होंने 2012 में डांस रियलिटी शो डांस महाराष्ट्र डांस में पार्टिसिपेट किया, जिसके वो फाइनलिस्ट बने और फिर 2013 में इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस का हिस्सा बने। वहाँ सुमित ने अपने डांस से सबको दीवाना कर दिया और उन्हें मिला बीट किंग का खिताब, जो उन्हें मिला डांसिंग क्वीन श्रुति मर्चेंट से, जो शो में जज की कुर्सी पर थी। श्रुति कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट की छोटी बहन है। सुमित फाइनल तक पहुँचे, पर अफसोस वो विनर नहीं बन सके और वो थर्ड रनर अप रहे। फिर भी सुमित ने अपना हौसला बुलंद रखा और खुद को जमीन से जोड़ा रखा और फिर सुमित के करियर की दूसरी पारी शुरू हुई। जी हाँ, एक्टिंग की दुनिया में हुई सुमित की एंट्री और उनका पहला शो रहा दिल दोस्ती डांस, जिसमें वो फिर थिरकते ही नजर आए। इसके बाद सुमित नजर आए हिस्टोरिकल सीरियल चक्रवर्ती अशोक सम्राट में, जहाँ वो पहली बार एक नेगेटिव किरदार युवराज सुशीम बने नजर आए। ब्लॉकबस्टर मराठी फिल्म वेंटिलेटर में सुमित ने कैमियो किया और फिर मराठी फिल्म मांझा में भी नजर आए सुमित, और माधुरी दीक्षित स्टारर बकेट लिस्ट में सुमित सलील के किरदार में नजर आए, और फिर सुमित के चमके किस्मत के सितारे जब वो मिथोलॉजिकल ड्रामा राधा कृष्णा में कृष्णा के किरदार में नजर आए। मानो जैसे सुमित के सितारे सातवें आसमान को छू रहे थे। शो सुपरहिट रहा, सुमित को मिला लोगों का बेपनाह प्यार और वो काफी पॉपुलर होने लगे। शो में जिस अंदाज में श्री कृष्ण के रोल को सुमित ने निभाया, उसे देख ऐसा लगा मानो स्वयं श्री कृष्ण ही धरती पर आ गए हैं। शो में उनकी राधा बनी है मल्लिका सिंह, दोनों की जोड़ी को ऑडियंस ने खूब सराहाया और दोनों की ये जोड़ी ऑन स्क्रीन तो धमाल मचा ही रही है। वही सूत्रों की माने तो दोनों एक दूसरे के साथ ऑफ स्क्रीन भी काफी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देते हैं। दोनों ने अब तक अपने रिश्ते के बारे में खुलकर तो कुछ नहीं कहा, पर दोनों के बीच की केमिस्ट्री सबको नजर आ रही है। दोनों ने पब्लिकली यही बताया है कि हम दोनों को अपने करियर पर कॉन्सेंट्रेट करना है, पर वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। कैसी लगी आपको ये सुमित की अनकही कहानी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अब आप किस एक्टर की कहानी देखना चाहते हैं, ये भी हमें बताना ना भूले। ऐसे ही ढेर सारी टेली अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।